नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की कुछ खास खबर। पिता पुत्र गुंडों ने दिन दहाड़े की हत्या, नागपुर के सकरदरा में वारदात। सकरदरा के रानी भोसले नगर में पुरानी रंजिश के चलते गुंडे ने अपने पिता की मदद से दिन दहाड़े एक बैग विक्रेता को मौत के घाट उतार दिया। मंगलवार की दोपहर हुई लॉकडाउन के दौरान इस वारदात से परिसर में हड़कंप मची हुई है। बता दे, आरोपी बंटी ने मृतक हरिदास से सिर्फ बदला लेने के लिए उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी। बता दे कि आरोपी का अवैध बिरयानी सेंटर था। हरिदास सहित अन्य चार लोगों ने उसे हटाने की एनआईटी से शिकायत की थी। इसके बाद जुलाई 2019 में एनआईटी द्वारा इस अतिक्रमण को तोड़ने के बाद से आरोपी बंटी और उसका पिता शिकायतकर्ता के खून के प्यासे हो गए थे। कोरोना के 11 मरीज और मिले। नागपुर में संक्रमितों की संख्या हुई 92। कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले नागपुर में बढ़ते ही जा रहे हैं। मंगलवार को और 12 रोगियों में कोरोना की पुष्टि हुई। इनमें वृद्ध के साथ ही गर्भवती महिला, बच्चे भी हैं। एक 70 वर्षीय वृद्ध में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जो कि नागपुर का सबसे उम्रदराज रोगी है। सतरंजीपुरा के मृत रोगी से संक्रमण के मामले निरंतर बढ़ रहे हैं। आज भी संबंधित मरीज से संक्रमित 6 रोगी मिले। वहीं मोमिनपुरा से संक्रमित होने वाले 5 मरीज मिले हैं। हॉटस्पॉट बन चुके सतरंजीपुरा के बाद मोमिनपुरा की चेन भी बढ़ती जा रही है। मंगलवार को पाए गए 8 नए पॉजिटिव में से 5 लोग मोमिनपुरा के ही हैं। एक व्यक्ति के संपर्क में रहे, मतलब यह चेन आगे बढ़ने की संभावना भी बढ़ गई है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।